इंडियन रेल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, अपनों को अपनों से मिलाने का मिशन। रेल के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उनकी सरकार रेल की रफ्तार भी और इसका विस्तार भी बढ़ाने में जुटी है। मगर पीएम मोदी ये भी समझते हैं कि मौजूदा रेल ट्रैक को वक्त के साथ दुरुस्त रखना भी बेहद जरूरी है, इसीलिए उनकी अगुवाई में रेलवे ने इस साल एक इतिहास रचा है, रेल ट्रैक के नवीनीकरण का इतिहास। साल 2017-18 में 4,405 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण कर बीते सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले साल 2004-2005 में सबसे ज्यादा 4,175 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण हुआ था, मगर ये काम भी बीजेपी की ही अटल सरकार के दौरान हुआ था। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए देश के 1,14,907 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के नवीनीकरण का काम जरूरी है। नए रेल बजट में भी पीएम मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया है, जिसे 5 साल में खर्च किया जाना है। सरकार की पहल पर रेल सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का असर दिख रहा है। बीते वित्तीय वर्ष यानी 2016-17 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 104 थी, जो साल 2017-18 में घटकर सिर्फ 73 रह गई है। 35 सालों में पहली बार रेल दुर्घटनाओं की संख्या 100 से कम रही है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है।